दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ डीजल बर्नर आपने देखा दूसरी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ गैस बर्नर की। गैस बर्नर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है परफॉर्म रेगुलर सिस्टम लीक टेस्ट। आपको रेगुलरली लीक टेस्ट चेक करना रहता है। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि लीकेज कैसे हो जाता है। तो आपको वो लीकेज आपके गैस बर्नर में आपको दिखेगा, जैसे कि आप गैस वगैरह आप देखते हो सिलेंडर वगैरह में भी आपके बबल्स दिखते हैं। तो सिमिलरली पाइप पे आपको वैसी ही जो बबल्स हैं वो मेंशन्ड होके मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो उसको परफॉर्म उसको चेक करने के लिए आपके पास ये गैस सैंपल होना चाहिए, जिसको आप जब स्प्रेड करोगे तो क्या होगा कि आपको वो ईज़िली दिख पाएगा कि बबल्स जो हैं वो कैसे राइज हो रहे हैं। आप नॉर्मल लिक्विड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो आप किसी भी चीज़ से चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो, जहाँ पे अगर लीकेज होगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब आपको रेगुलरली प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है कि जो आपका गैस का सिलेंडर है वहाँ से जो आपका प्रेशर आ रहा है, कितने बार का प्रेशर आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको रेगुलरली और रेगुलेटर्स के साथ चेक करना रहेगा। चेक करते रहेंगे तो आपको वो सारी फॉल्ट्स नहीं मिलेंगी। तो ये बेसिक मेंटेनेंस है, आपको चेक करते रहना है हर एक चीज़ हर एक प्रॉपरली, तभी आपका जो मशीन है वो फ्लुएंसी के साथ वो एक अच्छे मैनर पे चल पाएगा। तो आपको गैस बर्नर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चेक आपको स्पार्क इग्नाइटर भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं स्पार्किंग वगैरह से जो आप इग्नाइटर को स्पार्क कर रहे हो, जिससे आप जला रहे हो, वो सही है या नहीं। वरना क्या होगा कि आपका गैस जो है वो बंद ही नहीं करेगा। उसके साथ साथ आपको एयर फ्लो सेटिंग, जो एयर के बहाव है, जो ऑक्सीजन की सेटिंग है, वो आपको चेक करके रखना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो एयर ब्लोअर है वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, तभी कम्बशन हो पाएगा, तभी जल पाएगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से ये हो पाएगा या नहीं। तो आपको ये अच्छे से मेंशनड वे में समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। तो अब विजुअल बर्नर फ्लेम इंस्पेक्शन आपको करना है। विजुअली आपको फ्लेम देखता है कि जो फ्लेम है आपका वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लेम प्रॉपर ही नहीं होता, फ्लेम जो है वो थोड़ा आ रहा है, ये वो ज़्यादा कभी हो जा रहा है, ज़्यादातर तो इसमें कम ही हो जाता है। तो आपको वो बर्नर वगैरह साफ करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपका जो फ्लो है, जो आपका फ्लेम है, वो प्रॉपरली हो पाए। तो इसीलिए फ्लेम इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जो आपका बर्नर श्राउड है फ्लेम स्टेबलाइजेशन करने के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस आप देख सकते हैं वाइट जो है, इसी को हम कहते हैं बर्नर श्राउड। तो यहाँ से ही क्या होता है, आपका बर्नर जैसे कि आप गैस वगैरह में देखते हो कि जो बर्नर होता है, तो बर्नर के नीचे जो साइड में होल्स होते हैं, तो वो उसी को कहते हैं बर्नर श्राउड। तो यहाँ पर जो बर्नर श्राउड होगा वो आपका साफ़ सुथरा होगा, तो जाहिर सी बात है तभी गैस जो है वो प्रॉपर निकल के आएगी, और जहाँ से वो बर्न करना चाहता है, जहाँ से वो जलेगा, वो प्रॉपरली जल पाएगा, तभी उसमें फ्लेम जो है वो प्रॉपरली कैचअप। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फ्लेम स्टेबलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक गैस बर्नर की सेटिंग्स थी।